अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हमने स्टार्ट किया था मोशन इन टू डायमेंशन, इसका जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने इसकी जो बेसिक्स है उसको कवर किया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, लीनियर मोशन हम किसको कहते हैं, टू डायमेंशन मोशन क्या है या फिर थ्री डायमेंशन जो मोशन है वो क्या होती है। तो आज हम इसको डिटेल में इस चैप्टर को स्टडी करेंगे कि टू डायमेंशन मोशन है क्या। सबसे पहले हम जो टू डायमेंशन है, टू डायमेंशन मोशन है, उसके टू टाइप्स होते हैं जो हमारे कोर्स में है। एक है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरे का नाम है सर्कुलर मोशन। ओके, तो स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि भाई आप जो मोशन इन टू डायमेंशन है उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। इसकी डेफिनेशन है वेन ऑफ बॉडी, वेन ऑफ बॉडी कवर्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। ओके, जो बॉडी क्या करे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को कवर करे साइमल्टेनियसली। इस कॉल मोशन इन टू डायमेंशन। जब बॉडी क्या करे साइमल्टेनियसली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों को साथ में कवर करे उसकी मोशन को मोशन इन टू डायमेंशन कहा जाता है। हम स्टार्ट करेंगे इसके जो है प्रोजेक्टाइल मोशन से। प्रोजेक्टाइल मोशन पर सपोज हम ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस होगा। सपोज करें यहाँ पे कोई बॉडी पड़ी है, यहाँ पे हम इसको यहाँ से किक करते हैं तो ये बॉडी कुछ इस तरीके से मूव करेगी, आगे यहाँ पे पहुंचेगी। ओके, तो ये इसकी मोशन होगी। अब थोड़ी देर के बाद सपोज करें यहाँ पे ये जो है ओरिजिन, यहाँ से स्टार्ट हुई ये बॉडी मूव करना, थोड़ी देर के बाद ये बॉडी आके यहाँ पे पहुंचेगी और उसके बाद ये आके यहाँ पे पहुंचेगी, फिर यहाँ पे इसी तरीके से फाइनल आके यहाँ पे इस तरीके से लैंड करेगी। तो जब ये बॉडी यहाँ पे पहुंची तो इसका मतलब है कि भाई इस पॉइंट पे ये बॉडी कुछ आगे की तरफ भी जा रही है, ये इसका आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे इसका कुछ वाई में भी डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स इसकी वाई में भी मोशन है। तो कुछ डिस्टेंस इसने एक्स में कवर किया आगे की तरफ और कुछ डिस्टेंस इसने वाई की तरफ कवर किया। इसी तरीके जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि भाई ये बॉडी आगे भी जा रही है और उसके ऊपर भी जा रही है और यहाँ पे इसका एक ही कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस और इसी तरीके से इसके हर पॉइंट पे इसके दोनों ही कोऑर्डिनेट्स हो रहे हैं। ओके, तो जब ऐसी मोशन हो जिसमें एक बॉडी क्या करे दोनों ही कोऑर्डिनेट को साइमल्टेनियसली कवर कर रही है, सच मोशन इज कॉल्ड दी प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन इन टू डायमेंशन। तो ये हमारे पास किसी प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल है। अब प्रोजेक्टाइल को हम यहाँ से थ्रो कर रहे हैं और जब ये ऊपर जा रहा है तो इसकी एक फॉर्म बन रही है, इसकी एक शेप बन रही है, जैसे हमारे पास सर्किल रेक्टेंगल जो शेप है इसी तरीके इस शेप का नाम होता है पैराबोलिक। ओके, तो ये हमारे पास पैराबोलिक शेप बनेगी इस प्रोजेक्टाइल की। अब इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि भाई इनिशियली अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहां से सब इसको थ्रो कर रहे हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है। अब यहां पे इसका नाम रखेंगे हम आर, आर इज दी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हो सकता है, देयर इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम देयर इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। मतलब इसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ हम यहां से एंगल बना के इस पॉइंट से इसको थ्रो कर रहे हैं, इस दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज एंगल व्हिच इज मेड बाय projectile with
हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ओके विद एक्स एक्सिस। ये वो एंगल है जिस एंगल के थ्रू हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं। और इसी तरीके से अगर यहां पे हम देखें जो इसकी मैक्सिमम पॉइंट है, मतलब ये ऊपर कितना ऊपर इसने डिस्टेंस कवर किया, दैट इज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल h। ओके सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल? तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है? ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। ओके तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम जैसे वो रेंज अगर हम कहें तो दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो हाइट अगर हम हाइट की बात करेंगे तो ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। कवर्ड बॉय प्रोजेक्टाइल, ओके मतलब ये ऊपर कितना गया। अब यहां पे पर एक बॉल, यहां से जैसे हम इस बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो ये इसके दो टाइम हो सकते हैं, एक टाइम ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो इसको रिक्वायर्ड है, दूसरा ये वापस आके यहां पे आने पे जो इसको टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो टाइम अगर हम कहें तो टाइम हमारे पास दो हो सकते हैं यहाँ पे इस प्रोजेक्टाइल के, एक है टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट, ओके हाईएस्ट पॉइंट पे कितना इसको टाइम रिक्वायर्ड है, जितना इसको टाइम रिक्वायर्ड है डेट इज काली टी, मींस टाइम जो है टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट। हम जानते हैं फॉर एग्जांपल अगर इस बॉल को थ्रो करते हैं यहां से यहां तक पहुंचने में इसको 10 सेकेंड रुकायर है, तो वापस आने में भी इसको 10 सेकेंड ही रुकायर होंगे। और अगर हम कहें टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम, सो टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल या फिर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं इसको, ये टोटल टाइम क्या है ऊपर जाने का टाइम और फिर इसको वापस आने का टाइम कितना रुका है। ओके तो ये इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं प्रोजेक्टाइल की, कि भाई रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहें या प्रोजेक्टाइल कहें, दैट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इस एंगल के थ्रू इस प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो कर रहे हैं। और फिर है हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड दैट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके लेकिन ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है जो ये प्रोजेक्टाइल कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्रेजेक्ट्री। अब ट्रेजेक्ट्री क्या है, दैट इज द पाथ कवर बाय प्रोजेक्टाइल, कि ये वो रास्ता है जिस रास्ते से कोई प्रोजेक्टाइल जो है मूव करेगा, उस रास्ते उस पाथ का नाम होता है ट्रेजेक्ट्री। ओके तो इस चैप्टर में ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होती है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम किसको कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री क्या है, उसकी क्या कैलकुलेशन हो सकती है, हम उसको कैसे उसकी डेरिवेशन कर सकते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है और हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या है।